हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं एमएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 3 करिकुलम स्टडीज़ का सिलेबस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि इस पेपर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले मैंने एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों के साथ शेयर किया था, और नेक्स्ट वीडियो में पेपर 4 भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। इसके अलावा एमएड के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सभी एमएड क्लासेस के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे जब, तो उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी के क्वेश्चन पेपर उसमें अवेलेबल हैं, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं। तो देखिए, जो करिकुलम स्टडीज़ है ये पेपर 3 है एमएड सेकंड सेमेस्टर का, और 3 घंटे का पेपर होता है ये। 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। टोटल 100 मार्क्स का ये होता है एग्ज़ाम। तो देखिए, चल के अब देख लेते हैं इसमें कि क्या है यूनिट 1 में। यूनिट 1 देखिए, यूनिट 1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, यानी इसमें आपको पढ़ना है करिकुलम डेवलपमेंट एंड अदर करिकुलर फील्ड्स कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट है आपका एपिस्टेमोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजिकल फील्ड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, सोशल फैक्टर, प्रेशर ग्रुप, राइटर्स एंड पब्लिशर्स। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ टीचर एज करिकुलम मेकर। तो देखिए, ये जो जितना भी अभी आपने पढ़ा ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बीएड में, तो सारा कंटेंट वही है आप इसके, और यही कंटेंट आपको एमएड के जो थर्ड सेमेस्टर उसमें भी मिलेगा, एमएड फोर्थ सेमेस्टर में भी मिलेगा। तो जब आप इसकी तैयारी करें तो अच्छे से करें, इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हमेशा आते हैं यही। इसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में आपको नेचर, पर्पसेस, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग एम्स, सिलेक्टिंग कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है ताबाज मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये ताबाज मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में है आपका करिकुलम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड नीड। इसके अंदर आपको डिफरेंट करिकुलम डिज़ाइंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड एंड कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, स्पायरल करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड देयर रेलिवेंस। नेक्स्ट है आपका इक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। इसके बाद आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर देखिए आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए कौन कौन से मॉडल्स हैं आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, ग्रास रूट मॉडल है, डेमोंस्ट्रेटिव मॉडल है, सिस्टम एनालिसिस मॉडल है। इसके अलावा आपको करिकुलम इश्यूज एंड ट्रेंड एंड टू फ्यूचर डायरेक्शंस टू करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ना है। एंड द लास्ट इज एनवायरनमेंट कंसर्न्स, जेंडर डिफरेंसेस, इंक्लूसिवनेस, वैल्यू कंसर्न्स एंड इश्यूज, सोशल सेंसिटिविटी। ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो ये चारों यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है, ये आपने देख लिया है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि बुक्स आप नहीं ले पाते हैं या आपको अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो ये जो कंटेंट है सारा जो अब तक मैंने आप लोगों को साथ में शेयर किया, ये आपको प्रीवियस बुक में भी मिल जाएगा। या फिर अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको बुक में भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसे आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तो ये सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एमएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 3 है ये, और बहुत जल्द ही मैं एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 4 का सिलेबस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।